रिपीटिंग सिग्नल अंग्रेजी के वर्ड रिपीट से बना है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है दोहराना। जी हाँ दोस्तों, रिपीटिंग सिग्नल किसी सिग्नल को दोहराने वाला सिग्नल है, जिसे इस प्रकार डिफाइन किया गया है, जब लाइन के कर्व के कारण कोई सिग्नल लोको पायलट को पर्याप्त दूरी से दिखाई नहीं देता है, तो उस सिग्नल के एस्पेक्ट को दोहराने के लिए उससे पहले एक सिग्नल लगाया जाता है, जिसे रिपीटिंग सिग्नल कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ट्रैक के कर्व यानी गोलाई के कारण जब कोई सिग्नल दिखाई नहीं देता है, तो लोको पायलट ट्रेन को कैसे चलाएगा। इसी समस्या से निदान के लिए उस मेन सिग्नल से पहले रिपीटिंग सिग्नल लगा दिया जाता है, ताकि लोको पायलट को उस मेन सिग्नल के एस्पेक्ट के बारे में पता चल सके। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, जो सिग्नल लगा होगा उसका क्या एस्पेक्ट है, यहाँ से जब हम जा रहे हैं हमें नहीं दिखता है, तो उसके सहायता के लिए यहाँ पर एक रिपीटिंग सिग्नल लगा दिया जाता है, जिससे हमें यह पता चल सके कि जो इस मोड़ के बाद सिग्नल जो है उसका एस्पेक्ट क्या है, उसका पोजिशन क्या है, या यह हमें रिपीटिंग सिग्नल बता देता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें हम यहाँ से आगे जा रहे हैं तो आगे का जो सिग्नल है वो हमें नहीं दिख पा रहा है, जिसके सहायता के लिए एक रिपीटिंग सिग्नल लगाया जाता है, उसी सिग्नल को रिपीट किया जाता है जो आगे सिग्नल लगा हुआ है, और हमें एस्पेक्ट दिखाएगा, और यह उस सिग्नल का एस्पेक्ट क्या है, ऑन है कि ऑफ है, यह बताता है। दोस्तों, रिपीटिंग सिग्नल सेमाफोर आर्म में यूज़ किया जाता है, या बैनर टाइप में यूज़ किया जाता है, या कलर लाइट सिग्नल में यूज़ किया जाता है। रिपीटिंग सिग्नल में इसकी पहचान के लिए, जैसे हमने देखा था कॉलिंग ऑन सिग्नल में एक सी मार्कर का यूज़ किया जाता है, वैसे ही सेम यहाँ पर आर मार्कर का यूज़ किया जाएगा, जिससे हमें यह पता चलता है कि ये रिपीटिंग सिग्नल है। सेमाफोर सिग्नल में जो हत्ते वाले सिग्नल होते हैं, उसके खंभे पर, उसके पोस्ट पर सफ़ेद गोल चक्री होती है, जो आर मार्कर लिखा होता है उसमें। हत्ते वाले सिग्नलों में इसकी भुजा जो है पीले कलर का होता है, येल्लो कलर का होता है, और इसका जो सिरे होते हैं समानांतर एक काली पट्टी होती है। जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसका जो सिरा है येल्लो कलर का है और इसमें एक काली पट्टी लगी होती है। कॉलिंग ऑन सिग्नल में इसका जो हत्ता होता है सफ़ेद रंग का होता है, और इसमें जो है पीला रंग का हत्ता होता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल में वाइट रेड कलर का बार बना रहता है, इसमें ब्लैक कलर का लगा हुआ है। बैनर टाइप में ऑन पोजीशन में ये बैनर जो है इस पोजीशन में रहता है, और ऑफ पोजीशन में ये टिल्ट पोजीशन में रहता है। कलर लाइट रिपीटिंग सिग्नल को पहचान के लिए आर मार्कर होता है, जिसमें ब्लैक बैकग्राउंड में इल्यूमिनेटेड यानी जलता हुआ आर लेटर लिखा हुआ रहता है। कलर लाइट रिपीटिंग सिग्नल के दो एस्पेक्ट होते हैं, नीचे येलो जलता है जबकि ऊपर नॉर्मल स्थिति में अर्थात ऑन पोजीशन में रिपीटिंग सिग्नल के येलो एस्पेक्ट जलता है, जिसका मतलब है आगे का मेन सिग्नल भी ऑन पोजीशन में होगा। अर्थात मेन सिग्नल अगर स्टॉप सिग्नल हो तो उसके मेन सिग्नल के रेड एस्पेक्ट जल रहा होगा, और अगर मेन सिग्नल परमिसिव सिग्नल हो तो उसके एस्पेक्ट या तो वन येलो होंगे या डबल येलो होंगे। उसी प्रकार ऑफ पोजीशन में रिपीटिंग सिग्नल के ग्रीन एस्पेक्ट जलता है, जिसका मतलब है आगे का मेन सिग्नल भी ऑफ पोजीशन में होगा। अर्थात मेन सिग्नल या तो वन येलो होगा या डबल येलो या ग्रीन जल रहा। इसमें देख सकते हैं ये रंगीन रोशनी वाले रिपीटिंग सिग्नल यहाँ पे आर शो करता है, हम पहचान के लिए कि रिपीटिंग सिग्नल है ये। और इस सिग्नल में यदि येलो दिखा रहा है, इसका मतलब होता है कि जिसे ये रिपीट कर रहा है वो ऑन पोजीशन में है। या तो डबल येलो होगा, तब इसका मतलब होता है कि जो मेन सिग्नल जिसे रिपीट कर रहा है वो होगा येलो में, डबल येलो के बाद सिंगल येलो होता है। यदि ग्रीन है तो इसका मतलब है कि मेन सिग्नल जो है जिसे रिपीट कर रहा है वो भी ग्रीन पोजीशन में ही है। रिपीटिंग सिग्नल के संकेत क्या होते हैं इसमें देखते हैं। यदि येल्लो है, सिंगल येल्लो है, तो जिस सिग्नल को यह रिपीट किया गया है वह ऑन स्थिति में है। डबल येल्लो जब होता है तो जिस सिग्नल को रिपीट किया गया है वह एक पीला या एक पीला रूट संकेत के साथ या दो पीला प्रदर्शित कर रहा है, मतलब
यदि डबल येलो है, डबल येलो को पार करे तो या तो रेड, या तो वो सिंगल येलो हो सकता है या तो डबल येलो हो सकता है। यदि ग्रीन है तो जिसे रिपीट करे वो भी ग्रीन होगा। दोस्तों क्रम वाइज जब होता है, क्रम जो होता है, यदि ग्रीन है तो उसके बाद जो है डबल येल्लो मिलेगा, फिर येल्लो मिलेगा। यदि डबल येल्लो मिल रहा है तो उसके बाद हमें या तो येल्लो मिल सकता है या तो फिर डबल येल्लो मिल सकता है। यदि हमें सिंगल येल्लो मिलता है तो उसके बाद या तो रेड हो सकता है या तो फिर येल्लो हो सकता है। ये संकेत होते हैं, ये क्रमबद्ध चलते रहते हैं।